हेलो दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ मोबाइल रिचार्ज को लेकर के। एयरटेल जियो अगर आपके पास है, और जाहिर सी बात है एयरटेल जियो या फिर वीआई ही होगा यानी कि वोडाफोन आइडिया, तो आपका जो रिचार्ज है वो 3 जुलाई से महंगा होने वाला है। तो क्या चार्जेस होने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगा, और अगर आपका रिचार्ज हाल ही में ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो चुका है तो 3 जुलाई से पहले आप रिचार्ज करवा लीजिए, ताकि आपका जो चार्ज है वो वही पुराना वाला ही लगे, नया वाला ना लगे। और नया क्या चार्जेस है उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो पहली बार देखो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पर स्क्रीन देखिए, आप देख रहे होंगे जो अमेजोन पे है उनके एंड से एक मुझे वहाँ पे मैसेज रिसीव होता है व्हाट्सएप पे कि जो पुराना जो रेट है, जो कि जो प्राइस इंक्रीज का रिचार्ज पर आपको होने वाला है, और जो हाइक ऐसा कहा जा रहा है, और 3 जुलाई से ये अप्लीकेबल भी होने वाला है। और मैंने CNBC TV18 जो वेबसाइट है वहाँ पर भी देखा था एयरटेल वर्सेस जियो लिखा हुआ था। और यहाँ पे देखिए, प्रीपेड 5G प्लान्स कंपैरिजन आफ्टर लेटेस्ट प्राइस हाइक, यानी कि जो रिचार्ज का रेट है वो बढ़ेगा, 3 जुलाई से अप्लीकेबल होने वाला है, ऐसा भी कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, द न्यू प्राइस फ्रॉम बोथ कंपनीज विल बी अप्लीकेबल फ्रॉम July 3 से होने वाला है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट ओनली एयरटेल एंड जियो आफ्टर 5G कनेक्टिविटी टू इंडिया यूजर एट द टाइम, तो आपका रिचार्ज जो है वो बढ़ने वाला है। तो जो रिचार्ज है वो होने वाला, देखिए 28 दिन के प्लान की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो 179 था, जिसमें आपका लगता था वो 199 होने वाला है। और 84 डेज की बात करूँ तो वो 445 से आपको वहाँ पे 509 रुपये देखने को मिलने वाला है। एनुअल प्लान की बात करें तो 1999 होने वाला है, जो कि 1799 था। यही एयरटेल के बारे में मैंने बताया। अब जियो के बारे में बात करें तो जो 28 दिन का जो था 155 का था वो 189 का होने वाला है, और 6GB प्लान के साथ था। और 3 मंथ का जो 6GB प्लान था जो 4479 का था होने वाला है, जो कि 395 रुपये का था। और ईयरली जो था 24GB प्लान वाला, वो पहले 1559 का था यानी 1559 का, और अब वहाँ पे 1899 रुपये जो है वो लगने वाले हैं। उसके बाद बात करें जो डेली प्लान है, उसमें 28 डेज का था जो कोस्ट 299 है, हो जाएगा जो 265 रुपीज़ था 3GB वाले में, जो 399 था वो 449 का हो जाएगा, लगभग 450 का हो जाएगा। और इसी तरह से जो 1GB 84 डेज वाला था वो आपका वहाँ पे देखने को मिलेगा 859 का, 859 का, जो कि 719 का था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जियो के बारे में, तो 28 दिन वाला प्लान जो था 209 रुपये का, वो 249 का हो जाएगा। और उसके साथ साथ ही जो 3GB डे वाला प्लान था वो 399 वाला जो था वो 449 का हो जाएगा। कुछ प्लान जो हैं वो सब दोनों सेम है दोनों कंपनी के, लेकिन 84 डेज वाले में देखेंगे आप 666 का था और वो 799 का हो जाएगा। और जो एडोन प्लान थे 1GB डाटा जो था, अगर एयरटेल की बात करें तो 1900 में मिल रहा था, अब 22 में मिलेगा। 4GB डाटा जो था वो 65 में था, अब 77 में मिलेगा, 77 रुपये में। जियो की बात करें 1GB तो 19 में था, पहले 15 में था, अब शायद 19 हो जाएगा। और पहले जो 6GB डाटा आपको मिल रहा था 61 में, वो 69 हो जाएगा। तो इस तरह से प्लान जो है वो चेंज हुए हैं। और जो अमेजोन पे पे मैंने देखा था स्टार्टिंग में, शायद मैंने बताया था प्राइस हाई कलर था, योर मोबाइल रिचार्ज प्राइस विल बी इंक्रीज सोन रिचार्ज टू एट ओल्ड प्राइस। अभी आपको रिचार्ज करना है तो ओल्ड वाले में कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप 3 जुलाई या फिर उसके बाद करते हैं तो अप्लीकेबल होने के बाद आपको जो नए चार्जेस है वो देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि जब ये अपडेट हो जाएगा तो देखने को मिलेगा, और अभी जो न्यूज़ आ रही है वो यही है कि जो प्राइस हाइक हुआ है, प्राइस चेंज हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है जो रिचार्ज वाला, जो आप रिचार्ज कराते हैं अपने वोडाफोन एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या फिर एयरटेल या जियो वगैरह में, हालांकि न्यूज़ मैंने देखी थी तो उसमें सिर्फ जियो और एयरटेल का कंपैरिजन किया गया था 5G प्लान्स का, लेकिन वोडाफोन आइडिया का भी कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही कुछ अमाउंट्स में। तो अगर आपके पास नेट का रिचार्ज या फिर जो मंथली रिचार्ज आप कराते हैं वो ख़त्म हो गया है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद करा सकते हैं, ताकि आपका जो पुराना वाला रिचार्ज का जो अमाउंट था उतने में ही हो जाए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को कर देना है लाइक, और ऐसी अपडेट वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। आप अगर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो इंस्टेंट अप्रूवल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिफरेंट बैंक के क्रेडिट कार्ड के, तो वो जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। @SaareTimes नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर आ सकते हैं, वहाँ पर आपसे बातचीत हो सकती है, कुछ शेयर करना है या पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। SaareTimes ब्लॉग्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल और है, जहाँ पर आपको ब्लॉग देखने को मिल जाता है, तो
वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।